टोकन बांट दिए जाएंगे और इसके बाद और लोग जो हैं अब मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट नहीं डाल पाएंगे अगर बाकी रह गए हैं तो, क्योंकि 6 बजे का समय था, सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक वो वोटिंग चली। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर और पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में, चाहे बिहार की बात कर ली जाए, केरल की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए या पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर ली जाए, वोटिंग खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की 3 सीट, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है और इसी के साथ प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो चुकी है। कतार में खड़े हुए लोग वोट कास्ट कर पाएंगे, वोट डाल पाएंगे, लेकिन अब नए लोग अंदर दाखिल उनको होने ही नहीं दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोटिंग समाप्त हो गई दूसरे चरण की। पहले चरण में 102 सीटें थी, दूसरे चरण में 88 सीटें जहां पर वोटिंग हुई और कतार में खड़े लोग वोट दे सकते हैं, उनकी बारी आएगी। अब आपको बता देते हैं कि क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का दर्ज किया गया है। 5 बजे तक एमपी में 54.58% मतदान, छत्तीसगढ़ में 72.13% मतदान, दमोह में 53.66% मतदान दर्ज हुआ है, होशंगाबाद की बात करें तो 63.44% मतदान हुआ है, खजुराहो में 52.91% मतदान दर्ज किया गया, रीवा में 45.02% मतदान दर्ज हुआ, सतना में 55.51% मतदान हुआ दर्ज 5 बजे तक है यह आंकड़ा आपको बता रहे हैं। टीकमगढ़ की बात करें तो 57.19% मतदान हुआ यहां पर, कांकेर में बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा है 73.50%, राजनांदगांव में भी अच्छा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला यहां पर 71.87% मतदान हुआ और ये वोटिंग परसेंटेज शाम 5 बजे तक का है। इसके बाद 1 घंटे की वोटिंग बाकी रही और अभी आपको बता रहे हैं कि 6 बजे वोटिंग समाप्त हो चुकी है, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है।